क्या आप भी हर सुबह अपने चश्मे ढूंढते ढूंढते उठते हैं? क्या ये चश्मे आपका कॉन्फिडेंस आपसे दूर छीन लेते हैं? क्या आप कॉन्टैक्ट लेंसेज और चश्मों से हमेशा के लिए फ्री होना चाहते हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको एक 5-स्टेप आई केयर प्लान देंगे। इसमें 5 स्टेप्स है जो आपको रोज फॉलो करने हैं। हर स्टेप ऐसा है कि आप उसको अपने ही घर में बिना कुछ खरीदे बिना पैसे खर्च किए फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपको ये बस रोज फॉलो करना है कम से कम 21 दिन तक। 21 दिन क्यों? क्योंकि सिर्फ 21 दिन में ही आप डिफरेंस देख पाएंगे। आप देखेंगे कि आपका नंबर अपने आप कम होने लगेगा। आप टेस्ट करवा के खुद देख सकते हैं। कुछ ही दिनों में आप नोटिस करेंगे कि जो चीज़ें पहले नहीं दिखती थी अब वो बिना चश्मों के नज़र आने लगेगी, और जल्द ही चश्मे हो या कॉन्टैक्ट लेंसेज हमेशा के लिए छूट जाएंगे। तो चाहे आपका दूर का नंबर हो या पास का, चाहे आप बच्चे हो या बड़े, ये स्टेप्स सब पे काम करते हैं। जब मैं सिर्फ 15 साल का था तभी मुझे चश्मे लग गए थे और मुझे बिना चश्मे के कुछ भी नहीं दिखता था, ना ही क्लासरूम में ब्लैकबोर्ड और ना ही टीवी में क्रिकेट का स्कोर। और आज मैं 12 महीनों से चश्मे को हाथ भी नहीं लगाया हूँ और सब कुछ देख पाता हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको वो 5 स्टेप्स बताऊँगा जिसको फॉलो करके मैंने अपनी आँखों को नेचुरली ठीक किया। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आज आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया तो आप जिंदगी भर सब कुछ ध्यान से देख पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले स्टेप पर, और वो है आई एक्सरसाइजेस। इन एक्सरसाइजेस को करने के लिए आपको केवल 10 मिनट चाहिए। आप इन्हें कहीं भी कर सकते हैं, कमरे में, पार्क में, बरांडा में, कहीं भी। याद रहे कि इन्हें करने के पहले अपना चश्मा या लेंसेस निकाल दें। सबसे पहले आंखों को 10 बार ऊपर नीचे करें। जितना ऊपर जा सकता है उतना जाइए, और जितना नीचे लेके जा सकते हैं उतना नीचे लेके जाइए। फिर 10 बार लेफ्ट और राइट की तरफ लेके जाइए, कुछ इस तरह। उसके बाद 10 बार आंखों को डायगनली टॉप राइट और फिर बॉटम लेफ्ट लेके जाइए, और फिर वही चीज़ ऑपोजिट डायरेक्शन में, डायगनली टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट। फिर आंखों को 10 बार क्लॉकवाइज रोटेट करें, और फिर 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। तो अब हम बढ़ेंगे सबसे जरूरी एक्सरसाइज पर, और वो है आई पुशअप्स। अपने अंगूठे को नाक के पास अपने दोनों आंखों के बीच में रखें और अपने नाखून के ऊपरी हिस्से को देखें। फिर धीरे धीरे बिना फोकस हटाए अपने हाथ को स्ट्रेच करें और अंगूठे को दूर ले जाएं। इस दौरान अपना पूरा फोकस अंगूठे के टिप पर ही रखें। जैसे ही अंगूठा एकदम दूर चले जाए तब सारा फोकस अंगूठे के पीछे वाली चीज पर ले जाएं। फिर वापस अंगूठे के टिप पर फोकस करें और उसे अपनी नाक की ओर लाएं। ये एक्सरसाइज को हम कहते हैं आई पुशअप्स, और इसे 10 बार करना है। आखिर में पामिंग करें। आप अपने हाथों को एक दूसरे के साथ रब करके आंखों पर रखकर उन्हें आराम दीजिए। आप शायद सोचे इतनी सारी एक्सरसाइजेस मैं याद कैसे रखूंगा। आप चिंता ना करें, आप ये सारी एक्सरसाइजेस हमारे साथ कर सकते हैं। हमने एक और वीडियो बनाया है जिसको आप यूट्यूब पे आई एक्सरसाइजेस सात्विक मूवमेंट के नाम से सर्च कर सकते हैं। फिर बस इंस्ट्रक्शन चलती जाएगी और आपको साथ में फॉलो करना है। ये आई एक्सरसाइजेस कब करनी है? सुबह के टाइम बेस्ट है अगर आप इन्हें अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइज के तुरंत बाद करें। देखिए आपकी आंखों में भी मसल्स होते हैं, बिना एक्सरसाइज के कोई भी मसल कमजोर होने लगती है, आंखों के भी। लेकिन ये सब एक्सरसाइज करके आप अपनी आंखों की मसल को स्ट्रांग बना रहे हो। जल्द ही वो इतनी स्ट्रांग बन जाएगी कि उनकी खोई हुई ताकत अपने आप वापस आ जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे स्टेप पर, और वो है सन गेजिंग। सन गेजिंग का मतलब सूर्य को करीब 5 मिनट के लिए देखना। अगर आप चश्मे या लेंसेज पहनते हो तो उन्हें पहले निकाल दीजिए और फिर सूर्यदेव को देखें। जैसे आप टीवी का दर्शन करते हैं अब वैसे ही सूर्य का दर्शन करना है। अगर आपको बीच में ब्लिंक करना पड़े तो आप ब्लिंक भी कर सकते हैं। सन गेजिंग कितनी देर करनी है? यदि आप पहली बार सन गेजिंग कर रहे हैं तो सिर्फ 1 मिनट से शुरू करें और धीरे धीरे इसे 5 मिनट तक लेके जाए। सन गेजिंग कब करनी है? सिर्फ सूर्य उदय के पहले 1 घंटे के अंदर अंदर, या सनसेट
यानी सूर्यास्त के एक घंटे पहले के अंदर अंदर कभी भी दोपहर में या तेज धूप में सनगेजिंग ना करें। सनगेजिंग के दौरान सूर्य की किरणें आपकी आंखों में अब्जॉर्ब हो रही होती है और आपकी आंखों को हील कर रही होती है। लास्ट में अपने हाथों को एक साथ रब करके अपनी आंखों के ऊपर रख ले करीब 30 सेकेंड के लिए। इसको कहते हैं पामिंग और ये बहुत ज़रूरी है। इस समय आपकी आंखें सूर्य की रोशनी को ग्रहण कर रही होती है। ध्यान रखें कि आपको पामिंग के समय अपनी हथेलियों को आंखों से छूना या दबाना नहीं, सिर्फ ढकना है। क्या आपको पता है कि सूर्य माँ प्रकृति के दिए सबसे शक्तिशाली आई डॉक्टर है? हमारे वेदों में आंखों पर एक पूरा उपनिषद लिखा गया है जिसका नाम है चक्षु उपनिषद। इसमें सूर्य देव को ही हमारी आंखों का डॉक्टर कहा गया है। आइए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले स्टेप पर और वो है खीरे के आई पैक्स। बहुत आसान है। एक खीरे को इस तरह घिस के अपनी बंद आंखों के ऊपर रखें। ऐसे कम से कम 15 मिनट तक उन्हें रेस्ट दीजिए। जब आप अपनी आंखों पर ये क्यूकम्बर आई पैक लगाते हैं तो आपके सर के हिस्से में दो तापमान मेंटेन होते हैं। आपकी आंखें ठंडी हो जाती है और आसपास का एरिया गर्म रहता है। जब भी एक जगह पे दो तापमान मेंटेन होते हैं वहाँ ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। जहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है वहाँ हीलिंग यानी इलाज खुद ब खुद शुरू हो जाता है। 15 मिनट बाद आप खीरे को निकाल दें। ये आपकी आँखों को तो ठीक करता ही है, साथ ही बहुत रिलैक्स भी कर देता है। आज के दिन जब हमारा ज़्यादातर काम और बच्चों की ज़्यादातर पढ़ाई ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है जिसकी वजह से हमारी आँखों को कभी आराम ही नहीं मिल पाता, ऐसे में ये क्यूकम्बर आई पैक्स हमारे आँखों को आराम देने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। कब और कितनी बार आई पैक यूज़ करें? रोज़ कम से कम एक बार। आप इसे या तो सुबह डायरेक्ट अपनी एक्सरसाइज के बाद कर ले या फिर शाम को अपने काम खत्म हो जाने के बाद 15 मिनट के लिए ले लीजिए। अच्छा हाँ, एक और बात, इसके लिए खीरा सबसे आसान है लेकिन आप ये पैक दूसरी सब्जियों से भी कर सकते हैं, जैसे कि सफ़ेद पेठा यानी एश गार्ड, लौकी या आलू। ये सब आँखों को ठंडक पहुँचाने के लिए बहुत अच्छे हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने चौथे स्टेप पर और वो है 9 बजे के बाद कोई स्क्रीन ना देखें। सुबह आंख खुलते ही हम अपने मैसेजेस चेक करते हैं, फिर दिन भर लैपटॉप पर काम करते रहते हैं और रात को अपना फेवरेट टीवी शो या मूवी देखते हैं। चाहे काम हो या एंटरटेनमेंट, हमारी आंखें एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन के पीछे पड़ी रहती है। आज कई स्टडी साबित कर रही है कि स्क्रीन्स से निकलने वाली लाइट हमारी आंखों की रेटिना को जलाने लगती है। इसी कारण एक ऐसा स्केड्यूल बनाएं जहां आप रात के 9 बजे के बाद कोई भी स्क्रीन ना देखें, ना लैपटॉप की स्क्रीन, ना टीवी की स्क्रीन और ना ही मोबाइल की स्क्रीन। ऐसे करने से आपके आंखों को तो आराम मिलेगा ही, आपको नींद भी बहुत अच्छी आने लगेगी। अगर आप रात रात को भी स्क्रीन देखते रहेंगे तो आपकी आंखें ठीक हो ही नहीं सकती। और दिन में अगर आप लंबी देर तक लैपटॉप या कंप्यूटर पर काम करते हो तो हर आधे घंटे में ब्रेक लीजिए और अपनी आंखों को 20 सेकेंड के लिए ब्लिंक कीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी स्टेप पे, जिसे हमारे पूर्वज हजारों साल से इस्तेमाल करते आए हैं, त्राटक क्रिया। त्राटक क्रिया एक योगिक प्रैक्टिस है जो हमारी आंखें और मन दोनों को तेज बनाती है। इसे करने के लिए एक अंधेरे कमरे में कैंडल या दिया जलाएं। उसे ऐसी हाइट पर रखिए कि जब आप बैठे तो वो आपकी दृष्टि के एकदम सामने हो, ऊपर या नीचे नहीं, बिल्कुल आई लेवल पर। अपनी पीठ को सीधा रखते हुए एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाए और अपनी दृश्य को ज्योति यानी फ्लेम की टिप पर फोकस करें। ध्यान रखें कि आप अपने चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंसेस के बिना ये एक्सरसाइज करें। आप पलके झपकाना चाहते हैं तो झपका सकते हैं, लेकिन इसमें कोशिश करें कि जितनी देर बिना झपकाए रह सकते हैं उतनी देर बिना झपकाए रहिए। आप देखेंगे कि आपकी आंखों में से पानी बहने लगेगा, पर टेंशन ना लें। ये क्रिया आपके आंसू के द्वारा आपकी आंखों की सफाई कर रही है। त्राटक क्रिया के बीच इन्हें पहुंचने की कोशिश ना करें, बिना कोई रुकावट के बहने दें। ये बहुत ज़रूरी है कि त्राटक और सनगेजिंग के बीच में हम अपनी आंखों को टच या रब ना करें। जैसे हम सनगेजिंग के बाद पामिंग करते हैं, ठीक उसी तरह त्राटक के बाद भी हमें पामिंग करना है।
इस समय शायद आपको कैंडल या दिया की तस्वीर अपने बंद आंखों के सामने नजर आए, तो जितना देर हो सके उतनी देर तक आप उसे देखें। इस क्रिया को 7 मिनट तक रोज रात को सोने के पहले आपको करना है और आप देखेंगे कि आपकी दृष्टि दिन पर दिन तेज होती जाएगी। जो चीजें आपको बिना चश्मा के पहले नहीं दिख पा रही थी वो दिखने लगेगी। ध्यान रखें, अपने रूम में एसी, फैन और विंडोज बंद करके करिए, नहीं तो फ्लेम कभी भी सीधा नहीं रहेगी। आंखों को ठीक करना तो उसका एक फायदा है, साथ ही साथ ये आपका फोकस और कॉन्सेंट्रेशन को भी बहुत बढ़ा देती है। तो ये है हमारे आई हीलिंग रूटीन के 5 स्टेप्स। शायद आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, क्या ये सिंपल रूटीन सच में मेरी आंखें ठीक कर पाएगा? बिल्कुल, क्योंकि प्रॉब्लम आपकी आदतों से शुरू होती है, आंखों से नहीं। अब तक आपने अपनी आंखों को एक्सरसाइज, आराम और सनलाइट नहीं दी, पर जब आप हर रोज इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपके आंखों का नंबर अपने आप कम होने लगेगा। चश्मे और लेंसेज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रात को ड्राइव करते समय बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। किताब हो या 20 फीट दूर दुकान का बोर्ड, तब कुछ साफ दिखने लगेगा। बच्चों के तो चश्मे और भी ज्यादा जल्दी निकलते हैं, 15 दिन के अंदर अंदर दृष्टि साफ होने लगती है। अच्छा, एक और बात, अगर आपको अपनी आंखों को ठीक करना है तो चश्मे या लेंसेज का यूज कम करना पड़ेगा। आप ऐसा समझिए कि अगर आप हमेशा इनको पहनकर रखेंगे तो आंखें हमेशा इन पर निर्भर रहेगी, अपनी खोई हुई शक्ति खुद से वापस लेने की कोशिश भी नहीं करेगी। अगर आपकी पावर -3 या उसे कम हो और अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं तो चश्मा पहनना छोड़ दीजिए। सिर्फ ड्राइविंग करते वक्त या फिर कुछ दूसरे इम्पॉर्टेंट काम के समय पहनिए। और अगर आपकी पावर ज्यादा हो तो आप धीरे धीरे उनका इस्तेमाल कम करिए। पर इससे पहले आप ये प्लान फॉलो करना शुरू करें, हम आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करना चाहते हैं, जिसके बिना ये प्लान अधूरा है, जिसे शायद आपको किसी आई डॉक्टर ने नहीं बताया। आते साफ तो आंखें साफ। अब आप सोच रहे होंगे, मेरी आंतों का मेरी आंखों से क्या रिश्ता? एक बहुत ही बढ़िया बुक है जिसका नाम है कोलन हेल्थ। इसमें हमने सीखा कि अपने इंटेस्टाइन्स यानी अपनी आंतें साफ कर लोग अपनी बड़ी से बड़ी आंखों की प्रॉब्लम्स को भी ठीक किए हैं। तो आंतों को कैसे साफ रखें? इन 5 स्टेप्स के साथ साथ सात्विक भोजन भी अपनाएं। उसके लिए हमारे चैनल पे ये वीडियो जरूर देखें। इसमें आप सीखेंगे कि सात्विक भोजन क्या होता है और आपका डाइट प्लान क्या होना चाहिए, जिससे कि आपकी आंतें और दृष्टि दोनों ही साफ रह पाएंगी। इस वीडियो को अपने आसपास उन सभी के साथ शेयर करें जिनको आज चश्मे लगे हैं, ताकि वो भी अपनी आंखें नेचुरली ठीक कर पाएं।